और लगातार पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसमें रूस भी शामिल है। रूस में अब तक 10 लाख लोगों को स्पुतनिक का टीका लगा दिया गया। कोरोना को मात देने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि कई देशों में वैक्सीनेशन की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। रूस में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। खबर है कि रूस में 10 लाख लोगों को स्पुतनिक वी का टीका लगा दिया गया है। स्पुतनिक वी टीके का निर्माण रूस में ही हुआ है और इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये टीका 95% प्रभावी है और इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं है। रूस में इस समय 33 लाख से अधिक कोरोना केस हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 90 लाख की आबादी वाले इजराइल में करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक दे दी गई थी। और अब नए स्ट्रेन पर आपको सावधान करने वाली खबर है। 20 साल से कम उम्र के लोगों में नए स्ट्रेन का ज्यादा संक्रमण देखने को मिला है। नए स्ट्रेन पर ब्रिटेन में नई रिसर्च के जरिए खुलासा हुआ कि 20 से कम उम्र के लोग ज्यादा सावधानी बरते। अब तक दुनिया के 33 देशों में नया स्ट्रेन फैल चुका है। कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद अब अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने यह बात बताई। कोरोना की मार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कोरोना की वजह से उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोगों की परचेजिंग पावर घट गई, लेकिन वैक्सीन की खबर आते ही चेहरे खिल उठे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड बैंक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद दुनिया की इकोनॉमी में उछाल आएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 के वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% विस्तार होने की उम्मीद है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि वैक्सीन रोल आउट के व्यापक होने के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में इस साल 7.9% का विस्तार होने की उम्मीद है। और भारत की वैक्सीन पर दुनिया का भरोसा लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर यह है कि इक्वाडोर के राजदूत ने वैक्सीनेशन करवाया है, भारतीय वैक्सीन लगवाई है इक्वाडोर के राजदूत ने, और हेक्टर क्यूबा जैकम ने भारत की वैक्सीन लगवाई। दुनिया ने देखा भारत का दम, कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान की ताकत। WHO ने भी भारत को सराहा। भारत की वैक्सीन पर दुनिया को है भरोसा। भारतीय वैक्सीन का हर कोई मुरीद है। दुनिया को भारतीय वैक्सीन की ताकत पर भरोसा है। ये तस्वीर देखिए, इक्वाडोर के राजदूत हेक्टर क्यूबा जैकम हैं। इन्होंने भारतीय वैक्सीन की डोज ली। जैकम की पत्नी ने भी वैक्सीन ली है। दूसरी डोज अब 28 दिन बाद दी जाएगी। वैक्सीन लेने के बाद इक्वाडोर के राजदूत हेक्टर गोंजालो ने कहा कि वो भारत की स्वदेशी वैक्सीन से आश्वस्त हैं कि सही दिशा में ट्रायल हो रहे हैं। इसके अभी तक के परिणाम भी बेहतर हैं। उम्मीद है कि भारत के साथ ही उनके देश इक्वाडोर के नागरिकों के लिए भी फायदेमंद रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।